तो जैसे हम ओपन करते हैं सबसे पहले हमारे पास हमारा पेन आता है तो इसके अलावा आई डोंट थिंक तो कुछ है इसमें ये तो सिंपल पेन रख के दिया है एंड बॉक्स के अंदर आई थिंक कुछ है नहीं तो हाँ हमें यही मिलता है तो ओवरऑल पेन को होल्ड करने को मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जो ओपन एंड क्लोज वाला जो फील है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा है जो हमारा जो ढक्कन है वो थोड़ा सा लूज है एंड हमें जो एक्स्ट्रा फ्री टिप मिला गया पहले हम उसको निकाल के देखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ तो हमको बस एक फ्री टिप मिलता है बाकी हमें परचेज करने का ऑप्शन मिलता है अमेजोन से देखो अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो ये प्रीमियम लगता ऐसा है ऐसा कुछ लगता नहीं कि सस्ता वाला पहना तो ये मेरे हिसाब से तो, तो अच्छा है बहुत अच्छा दिख रहा है एंड ये जो मैग्नेटिक अप एंड डाउन होता है जैसे हम बंद क्लोज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये भी थोड़ा सा लूज़ है और गाइस ये टिप थोड़ा सा फ्रजाइल है तो थोड़ा संभल के यूज़ करना और मैंने इसको ज़ोर से खींच लिया था ढक्कन को तो ये भी निकल के आ गया था तो ये थोड़ा सा फ्रजाइल है और यार वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना बिकॉज ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा तो गाइस अब जैसे मुझे ऑन करना है या फिर मुझे इसका पासवर्ड डाल के ऑन करना है तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होता है बस कभी कभी रिकगनाइज़ नहीं होता जैसे आप देख सकते हो आप मैंने किया लाइट टच तो ये रिकग्नाइज़ नहीं हो रहा था उसके अलावा जैसे बेसिक स्क्रॉलिंग वगैरह तो अच्छा हो जाता है बट कभी कभार हो जाता है कि मुझे बेबी स्क्रॉल करना है जैसे आप देखो आप ऐप खुल गया ये करना मुझे स्क्रॉल था तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत हो जाता है बट इतना भी इशू नहीं होता एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ अब मेरे ड्राइंग स्किल्स पे मत जाइए बिकॉज मैं कोई आर्टिस्ट नहीं है तो मेरा बेसिक आपको दिखाना है कि जैसे मुझे अभी कुछ लिखना है तो जैसे मैं कुछ बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना अभी जैसे जो ये लिख रहा हूँ ये, ये बहुत अच्छे से लिख जाता है ठीक है तो मैं इसको बेसिक मतलब इतना यूटिलाइज नहीं करता हूँ एंड देखो आप देख सकते हो मैं अभी छोटा भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो आप रिकॉग्नाइज नहीं हुआ वहाँ पे बिकॉज ये जो जो वर्ड्स मैंने पहले लिखे थे वो जाड़े जाड़े थे तो वो जल्दी रिकग्नाइज़ कर पाया थोड़ा भी जो एफर्ट से रिकोगगनाइज़ हो गया अब फॉर एग्जाम्पल मुझे छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं इससे तो वो 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 यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे पाम रिजेक्शन नहीं है सबको पता ही है तो अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आ, मुझे छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं जैसे अभी मुझे कोई कॉलेज में नोट्स लिखने हैं तो वो ये पेन से बहुत मुश्किल है बिकॉज जैसे मैं हाथ रख दूँगा जैसे मैंने देखा पाम रिजेक्शन नहीं है चलो मैं बिना हाथ का भी कर दिया तो जो वर्ड्स मैं लिखूँगा ना जितना छोटा हो जाएगा उतना वो मिस करने लग जाएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके उतना छोटा लिख पाऊँ तो ये जो प्रॉपरली लिख ही नहीं पाएगा और ये तो छोटा मैं है भी नहीं एक्चुअली स्क्रीन के हिसाब से तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिस होना शुरू हो गया लेकिन जैसे मेरा यूसेज है मैं बुक पढ़ रहा हूँ तुमसे तो स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इश्यूज़ आते हैं तो जनरल अभी ये यूआई आई बेस भी हो सकता है बट मुझे ये बेसिक स्क्रॉलिंग वाली चीज़ है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है ठीक है वो वनस इन एल का भी होता है जैसे अब मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे चार्ट ड्रॉ करने हैं लाइन्स ड्रॉ करने तो यहाँ पर मुझे टच का कोई इतना इशू नहीं होता है मतलब बेसिक एक मॉडरेट स्ट्रेंथ देखे मैं अगर टच करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता जैसे अपना यूसेज है बट वही है कि जो प्रिसाइज टाइप आपको लिखना हो तो वहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे अब इसको डिलीट भी करना है तो ये सब बहुत इजीली हो जाता है अब जो भी लोग हैं आर्टिस्ट हैं तो मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ जैसे आपने मेरा ड्राइंग तो ऑलरेडी देख दिया बट अब जैसे मैं अभी फॉर एग्जाम्पल रहा कराऊँ बेसिक ड्राॅइंग करें जैसे छोटे बच्चे होंगे आपके उनको ड्रॉ करना है या आपको उनको कलर करने के लिए देना है तो ऐसे चीज़ अगर मैं बोलूँ ना तो यहाँ पे मुझे ड्रा करना काफ़ी इजी लगता है और मैं फ्रैंकली बोलूँ मज़ा आता है भले ड्राइंग आए नहीं आए हमें करने को तो मज़ा आता है लेकिन आर्टिस्ट लोग इसे यूज़ कर सकते हैं क्या तो मैं सीधा बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज़ कोई जो प्रिसाइज जो पेन होता है जैसे एप्पल पेंसिल होता है या एस पेन होता है वैसे तो उसके आज बाजू में भी नहीं आता ये तो या भी जैसे मुझे कलर करना है तो ये सब हो जाता है बेसिकली जैसे मैंने बोला बच्चों के लिए जो करना है क्या आप टाइम पास करो जैसे मैं आपको यहाँ पे कलर करके दिखाता हूँ जो आर्टिस्ट हो गए उनके लिए मेन होता है तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ एक बड़ा सा ड्राइंग है तो उसमें मैं कलर कर सकता हूँ ठीक है मैं अभी थोड़ा अगर एकदम पकड़ के कर लूँ ना तो हो जाएगा वो बट जैसे अभी मंडला ड्राइंग करते हैं या फिर एकदम प्रिसाइज कोई ब, मतलब एक ह्यूमन को कलर करना है तो वो सब ये पेन से बिल्कुल नहीं होने वाला है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा खर्चा करके लेना ही है तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया और काम का आया हो तो अपना बाइंग डिसीजन बनाने के लिए होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा तो दोस्तों अभी अगले वीडियो में मिलते हैं अनटिल देन सी यू गाइस